गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 18 ऑफ योर यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ टू अप्लाई नर्नेस इक्वेशन ऑन फुल सेल, यानी कि फुल सेल पे आप नर्नेस इक्वेशन कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके हमने दो केस देखे थे। केस फर्स्ट जो था आपका था जब आयंस आपके सेम हो, सॉल्यूशन में जो आयंस हो उन पे चार्जेस सेम हो, और दूसरा जो केस हमने देखा था कि जब आपके आयंस पे चार्ज डिफरेंट हो। तो आज हम करेंगे आपका केस नंबर 3 फुल सेल का, हम केस नंबर 3 करेंगे। केस नंबर 3 जो है आपका है कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल। बेटा कंसंट्रेशन सेल होता क्या है, जब आप एनोड और कैथोड सेम मेटल के लेते हो और उसको डिप करते हो सेम ही सॉल्यूशन में, या मैं कहूँ सेम आयंस में डिप करते हो उस सेल को, उस सेल को आप कहते हो कंसंट्रेशन सेल। यानी कि देखो क्या होता है आपका एनोड एंड कैथोड क्या होंगे, सेम हाफ सेल होंगे, सेम हाफ सेल। दैट मीन्स सेम हाफ सेल, इसका मतलब क्या है, जो मेटल होगा क्या होगा, सेम मेटल होगा, जो इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं दोनों साइड कैथोड और एनोड की साइड, वो मेटल क्या होगा, सेम होगा, साथ के साथ आपका क्या होगा, डिप इन सेम सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं डिप इन सेम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रोड जो दो ले रहे एनोड और कैथोड, वो हम सेम मेटल का लेंगे, यानी कि अगर हम एक सेल में कॉपर का लेंगे तो दूसरे सेल में भी, यानी कि अगर हम एनोड कॉपर का लेंगे तो कैथोड भी कॉपर का ही लेंगे, और उसको डिप करेंगे उसी के आयंस के सॉल्यूशन में। यानी कि यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, या मैं कहूँ कि पोटेंशियल फिर आपका कैसे जनरेट होगा। पहले पोटेंशियल आपका क्यों जनरेट हो रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ, क्या तो आपका आयन अलग, क्या तो आपके सॉल्यूशन अलग थे, उसके वजह से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे आपके क्या है, आपने जब मेटल ही सेम ले लिया, सॉल्यूशन ही सेम ले लिया, तो सेल में पोटेंशियल, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जनरेट कैसे होगा। बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जनरेट होगा वो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के वजह से जनरेट होगा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपने लिया है एम मेटल लिया है सॉलिड स्टेट में, उसको डिप किया है उसी के ही आयंस में, प्लस एक्स एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, तो ये आपका हाफ सेल हो गया, कौन सा वाला, एनोड हो गया, नेगेटिव चार्ज है, एनोड हो गया। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मैंने दूसरा जो सेल में सॉल्यूशन लिया है वो भी हमने एम प्लस एक्स एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और इलेक्ट्रोड जो लिया है वो मेटल से मेटल का लिया है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या है, आपके दोनों जो इलेक्ट्रो, ये आपका क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो दोनों जो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोड सेम मेटल के हैं, साथ के साथ एम क्या है, मेटल है। ठीक है, साथ के साथ जिसमें हमने उसे डिप किया है, जिस सॉल्यूशन में या जिस आयंस में डिप किया है, वो आयंस भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके कारण जनरेट होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन टू डिफरेंट सेल। ठीक है, तो इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होने के कारण इनमें क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। तो देखो इसका केस अगर देखें, इस पे अगर हम नर्नेस इक्वेशन अप्लाई करें अंडर एट, मैं यहाँ पे आपको देती हूँ, एट टेम्परेचर 298, हम 298 केल्विन पे ही करेंगे क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके 298 केल्विन के ही दिए होते हैं। साथ के साथ इस सेल का जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, सपोज x गिवन है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो आपका गिवन है वो x गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है E सेल, या फिर मैं कहूँ आपको सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर ऐसा है
तो देखो आप देख सकते हो कि इसी सेल का आपका क्या है, इस सेल का ये रिडक्शन पोटेंशियल है और इस सेल का भी यही रिडक्शन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल भी आपका सेम ही है। तो इस केस में आप ई सेल यानी कि सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पहले हम अप्लाई करेंगे आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन एट टेम्परेचर 298, क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग टू द बेस 10 क्यू। ठीक है बेटा, ये आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन होगी। अब हमें क्या निकालना है इसमें, पहला हमें ये निकालना है जो हमने बाकी दो केसेस में देखे, वही कंडीशन ये होगी। ई सेल निकालने के फर्स्ट आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा इस सेल का, सेकेंड जो है आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और थर्ड जो है आपको क्यू की वैल्यू यानी कि रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें बेटा, ई सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम निकालें, ई नॉट सेल, तो आपका क्या होता है, वहां देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, देखो इसको आपको रीड करना आना चाहिए कि आपको पोटेंशियल जो दे रखा है वो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, M प्लस X जो आयंस है इलेक्ट्रॉन लेके M में कन्वर्ट हो रहे, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, रिडक्शन, दैट इज आपका ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, दैट इज एक्स। तो आप देख रहे हो दोनों सेल में आयंस भी सेम है और वो कन्वर्ट हो रहे हैं एम में, एम मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, दैट इज आपका कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी एक्स है और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी एक्स है, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी जीरो। यानी कि ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कंसंट्रेटेड सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो अब अगर हम सेकेंड केस निकालें, तो सेकेंड अगर आप निकालो तो हमें पहले कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिखनी होती है, क्या कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम एनोड पे देखें, एनोड पे अगर देखें, ये आपका एनोड है, ऊपर चार्ज क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये आपका एनोड है, तो एनोड पे अगर हम रिएक्शन देखें तो क्या है, आपका जो एम है, एम मेटल जो कि सॉलिड फॉर्म में है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके एम एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, एम एक्स एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, साथ के साथ एक्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, अगर हम सेकेंड देखें कैथोड के केस में, कैथोड के केस में क्या रिएक्शन हो रही है, देखो एम प्लस एक्स आयन जो एक्वस में है वो यही इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहे हैं आपके एम सॉलिड में। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये मेंशन जरूर करना है कि यहाँ पे देखो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1 है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C2 है। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखे इसकी, तो देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आपका क्या है, ये मेटल सॉलिड से मेटल सॉलिड कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम मेटल है आपका। अब बात आती है कि मैंने कंसंट्रेशन इसीलिए यहाँ लिखा था कि अगर मैं सिर्फ एम एक्स एक्वस लिखती और यहाँ पे भी एम प्लस एक्स एक्वस लिखती तो क्या था, सेम मेटल के ही आयन है वो भी कैंसिल आउट हो जाते, बट यहाँ पे उन मेटल आयन की कंसंट्रेशन अलग है सॉल्यूशन में, इसीलिए कैंसिल आउट नहीं होंगे, इसीलिए मैंने आपकी कंसंट्रेशन बेटा मेंशन की थी। तो आप लिख सकते हो एम प्लस एक्स एक्वस सी टू कंसंट्रेशन है जिसकी, दैट विल गिव यू एम प्लस एक्स एक्वस जिसकी कंसंट्रेशन है आपकी सी टू। ठीक है, तो अगर हम यहां से Q की वैल्यू अगर निकाले बेटा, Q की वैल्यू आपकी क्या होती है, एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। आपके एक्टिव प्रोडक्ट में क्या है, M प्लस एक्स एक्वस। ठीक है, स्टोइकोमेट्री कितनी है इसकी, स्टोइकोमेट्री 1 है, तो पावर 1 लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। अपॉन अगर हम रिएक्टेंट देखें तो आपका क्या है, एम प्लस एक्स। ठीक है, यही आपका रिएक्टेंट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ अगर हम देखें कंसंट्रेशन, हमने क्या कहा था कि अगर एक्वस आयंस है, आयंस आपके एक्वस फॉर्म में है,
तो एक्टिव मास किसके बराबर होता है? उसकी कंसंट्रेशन के बराबर है। बट अगर आपका क्या है गैसियस फॉर्म में है तो प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। बट अगर सॉलिड है तो सॉलिड के केस में हमेशा एक्टिव मास 1 होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में बहुत यूज होती है। तो देखो इसकी आपकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, देखो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा C1 और यहाँ पे C2। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1 अपॉन C2। तो यहां से हमारी Q की वैल्यू निकल गई है। अब अगर हम यहाँ पे यहां लिख देती हूं मैं, अगर E सेल की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखो तीनों वैल्यूज को, अब बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से इस रिएक्शन से कितने निकले, x इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे भी x है, तो आपके इलेक्ट्रॉन कितने निकले x, ठीक है। तो n की वैल्यू आपकी x आ गई, q की वैल्यू आपकी C1 अपॉन C2 आ गई। तो अगर हम इसको और ज्यादा मतलब और ज्यादा सिंप्लीफाई करें, या मैं कहूँ इस इक्वेशन में, ये जो आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर मैं सारी वैल्यूज आपकी रख दूं बेटा तो हम ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ई सेल हमें कैलकुलेट करना है तो देखो ई सेल में हमें क्या क्या चाहिए था, ई नॉट की वैल्यू जो हमारी जीरो आई थी, तो जीरो माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू आपकी कितनी आई है, एक्स आई है, लॉग क्यू, लॉग टू द बेस 10 क्यू, क्यू आपका कितना आया C1 अपॉन C2, ठीक है। अब अगर हम इस जीरो को हटा ले, ठीक है, जीरो में से कुछ भी माइनस करते हो उतनी ही वैल्यू आती है। तो हम अगर सिंप्लीफाइड या मोर सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाए तो वो आपकी बनेगी माइनस 0.059 अपॉन एक्स लॉग टू द बेस 10 C1 अपॉन C2, ठीक है। तो आपकी थर्ड केस की यानी कि कंसंट्रेशन सेल की अगर हम E सेल की वैल्यू निकाले, यानी कि सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकाले, तो उस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हो। तो ये तो हमने एक क्या बोलते हैं सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाई थी, अब एक लाइव एग्जांपल इस पे न्यूमेरिकल ट्राई करके देख लेते हैं। देखो बेटा, तो देखो बेटा एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखो मैंने क्या लिया है, मेटल आपका Cu लिया है, कॉपर मेटल लिया है सॉलिड फॉर्म में, उसको उसी के ही आयंस में Cu2 पॉजिटिव आयंस में मैंने डिप कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने जो ये आपका एनोड पार्ट है, ये आपका कैथोड पार्ट है, कैथोड पे भी हमने जो आपके आयंस लिए है वो Cu+2 लिए है, और उसको उसमें जो इलेक्ट्रॉन डिप किया है वो भी आपका कॉपर का ही लिया। तो देख सकते हो आप इस केस में ये आपका कैसा केस है, कंसंट्रेटेड सेल का, कंसंट्रेशन सेल का है। तो आपको अगर कंसंट्रेशन सेल पहचानना हो तो वहां आप देख लेना कि मेटल भी सेम होगा और उसके आयंस भी सेम यूज किए होंगे, सिर्फ डिफरेंस जो होगा वो होगा सिर्फ कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कंसंट्रेशन है एनोड पे के जो इलेक्ट्रोड को डिप करने वाली कंसंट्रेशन है और इसकी कंसंट्रेशन दोनों की डिफरेंट है। तो अगर हम इसके लिए ई सेल निकालें, इसके लिए अगर हम ई सेल की वैल्यू निकालें, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, टेम्परेचर 298 केल्विन आपको ई सेल निकालना है। तो यहाँ पे देखो एक और चीज भी है जो आपको ई नॉट सेल नहीं गिवन है, ई नॉट सेल कितनी आ गई थी, जीरो आ गई थी, यानी कि इस इक्वेशन में आपको ई नॉट सेल की वैल्यू रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देख के घबराना नहीं कि यहाँ पे तो आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन नहीं है इस सेल के लिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। ये कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट की वैल्यू आपको दी भी सकते या नहीं भी दे सकते, ठीक है। अगर दी भी होगी तो माइनस करने के बाद आपकी जीरो ही आनी है, बट अगर नहीं दी होगी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो देखो ई सेल आपका क्या था, देखो हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी, जीरो माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे एक्स, उसमें एक्स इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक्स क्या था, यहाँ पे चार्ज था, अब यहाँ पे चार्ज कितना है +2, ठीक है। यानी कि वैसे भी आपको पता है कि Cu जो है दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Cu +2 में कन्वर्ट होता है एनोड पे, कैथोड पे यही Cu2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में है वो क्या करेंगे, इन्हीं टू इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो जाएंगे वापस से Cu में, ठीक है। तो वैसे भी यहां से देखने से भी पता चल रहा है कि आपको
टू इलेक्ट्रॉन्स, आपके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो टू है, यानी कि एक्स की वैल्यू ही रखते हैं, तो आप डायरेक्टली भी रख सकते हो या फिर इक्वेशन लिख के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आएगा टू लॉग टू द बेस 10 C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू आपकी कितनी है 0.01 अपॉन 0.1, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें बेटा तो देखो 0.059 अपॉन 2 आपका ये कितना हो गया log 2 द बेस 10, ये आपका कितना हो गया है, ये आपका आएगा 1 अपॉन 10, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे से आप इस 10 को अगर ऊपर लिखो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 2 द बेस 10 10 की पावर माइनस 1। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि अगर लॉग टू द बेस a टू द पावर b है तो उसका आंसर जो होगा वो b होगा, इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर b होगा, यानी कि पावर कितनी है माइनस 1, यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा आपका माइनस 1 होगा। या फिर अगर दूसरे वे में मैं बताऊं तो पावर हमेशा आगे आ जाती है, log टू द बेस 10 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आपकी प्लस में आ जाएगी 0.59 अपॉन 2, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये सेल की वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी आएगी देखो 0.0295, ठीक है, तो ये आपकी ई सेल की यहाँ पे वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बल्कि मैं ये कहूँ सारे केसेस में से सबसे सिंपल कॉन्सेंट्रेशन सेल का केस है, उसमें आपको ई से ई नॉट सेल की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इक्वेशन में पुट करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका केस नंबर 4, देखो बेटा केस नंबर 4 कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 11th में, जो कि आपका होता है के ई क्यू, ठीक है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। तो देखो बेटा पहले मैं आपको सेल बता देती हूँ, यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपने जनरेट कैसे होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसने इक्विलिब्रियम ध्यान से नहीं पढ़ा वो भी देख लो। तो देखो बेटा हम क्या करते हैं, हम गैल्वेनिक सेल में क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रोड ले रहे थे, उसको डिप कर रहे थे उसी के ही आयंस में, साथ के साथ हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड ले रहे थे उसको भी डिप कर रहे थे उसी के आयंस में, इसको हमने कनेक्ट किया था विद अ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है, ये था, और इसी को हमने वोल्टामीटर से या मैं कहूँ पोटेंशियोमीटर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ताकि हमें जितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है सेल में वो हम कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो ये हमने किया था, ये हमारा आपका क्या था, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल था दैट इज एनोड, और ये आपका क्या था पॉजिटिव टर्मिनल, साथ के साथ यहाँ पे हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया था, इस टाइप का हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया था, वो सॉल्ट ब्रिज आपका क्या काम कर रहा था बेटा, न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा था, यानी कि चार्ज को मेंटेन कर रहा था, ठीक है, मैं कहूँ कि आपकी न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा था, पॉजिटिव ये इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव ये आयंस डोनेट कर रहा था, जिसकी वजह से आपका जो सेल है या मैं कहूँ इस सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही थी, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा कि जैसे हमने क्या लिया था, यहाँ पे जिंक रॉड ली थी, यहाँ पे हमने कॉपर रॉड ली थी, उसको डिप किया था Zn2 पॉजिटिव के आयंस में, ठीक है, और इसको कॉपर रॉड को हमने Cu2 पॉजिटिव के आयंस में डिप किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, जिस हमने जो मेटल लिया है उसको डिप किया उसी के सॉल्यूशन में, दोनों ही केस में आपका ये है, बट यहाँ पे देखो कि आपका क्या ये सेल जो है वर्क करता रहेगा पूरी जिंदगी, ऐसे ही चलता रहेगा, कभी तो इसका फिनिश टाइम या एंड पॉइंट आएगा, कभी तो ऐसा होगा कि इस रॉड में से
जो आपके आयंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयंस जो आ रहे थे वो क्या होंगे, धीरे 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 स्लो होते जाएंगे। जब इस रॉड में से ऑलमोस्ट मेटल जब डोनेट करके किस में आ चुके होंगे, सॉल्यूशन में एंटर हो चुके होंगे, तो अब जो स्पीड है आयंस की इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और खुद Zn2 पॉजिटिव आयंस की सॉल्यूशन में आने की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऐसा थोड़ी ना प्रोसेस आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसका एंड पॉइंट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे जो ये Cu2 पॉजिटिव आयंस थे ये क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन कर करके आपके रॉड पे डिपॉजिट हो रहे थे। तो यहाँ पे भी एक ऐसी स्टेज आएगी, या मैं कहूँ एक ऐसी कंडीशन आएगी, जब आपके ये Cu2 पॉजिटिव पहले तो जाते जा रहे थे फुल स्पीड से, बट एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपके ये Cu2 पॉजिटिव आयंस भी सॉल्यूशन में कम होने लगेंगे। तो क्या होगा, ये जो स्पीड थी आयंस की इलेक्ट्रॉन गेन करके इस इलेक्ट्रॉन पे डिपॉजिट होने की, वो भी धीरे धीरे स्लो होने लगेगी और एक टाइम के बाद बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। साथ के साथ अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, कुछ रीडिंग आपको दे रहा था, कुछ इस सेल की पोटेंशियल दे रहा था, बट ये भी जब आपके आयंस ही नहीं बनेंगे तो आपका क्या होगा, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपनी वैल्यू जो है, या मैं कहूँ अपनी जो रीडिंग है, जीरो की तरफ शिफ्ट करनी शुरू कर देगा, ठीक है। बट ये हमें पता है कि जो सॉल्ट ब्रिज है क्या कर रहा था, आयंस डोनेट करके इसके न्यूट्रलिटी तो मेंटेन कर रहा था, यानी कि हर पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव आयन या दो नेगेटिव आयन वो वैसे छोड़ रहा था न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, नो डाउट ये केस तो था। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो Zn2 पॉजिटिव आयंस तो इसमें आते जा रहे हैं, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव आयंस तो आते जा रहे, उनको उसकी न्यूट्रलिटी यहाँ से आयंस इस सॉल्ट ब्रिज में से आयन निकल के मेंटेन कर रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा तो आएगा कि इसमें से आयंस निकलने धीरे धीरे कम होते होते एकदम बंद हो जाएंगे और इसमें से जो सॉल्यूशन में से आयन जो जा रहे थे वो भी धीरे धीरे फिनिश होते होते एकदम बंद हो जाएगा। तो आप कह सकते हो इस केस में जो क्या हो गया, आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, और सैचुरेशन पॉइंट आते ही आपका जो सेल होगा, मतलब आप सैचुरेटेड हो, आप पढ़ रहे हो और आप पूरे दिन से पढ़ रहे हो, तो आपका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, आप कहते हो नाउ आई एम सैचुरेटेड, आई नीड सम रेस्ट, ठीक है। तो इसका भी, इस सेल का भी सैचुरेशन पॉइंट आएगा, उस सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होगा, ये सेल जो है वर्क करना बंद कर देगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आयन निकलने बंद हो जाएंगे, यहाँ से आयन डिपॉजिट होना बंद हो जाएंगे, और यहाँ पे वोल्टामीटर भी अपनी रीडिंग धीरे धीरे करता जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस सैचुरेशन पॉइंट को, या मैं कहूँ इस सैचुरेशन कंडीशन को आप कहते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन हो गई है जहां पे आपका क्या हो रहा है, आपकी रिएक्शन जो है पूरी सैचुरेटेड हो गई, या मैं कहूँ पूरा सेल जो है आपका सैचुरेटेड हो गया है, अब आगे फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, उस स्टेज को आप कहोगे इक्विलिब्रियम स्टेज या इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पे जो ई सेल होता है, अब सेल आपका क्या हो गया, कंप्लीटली स्टॉप वर्किंग, सेल जो हो गया बंद हो गया है, तो सेल बंद होते ही सेल का जो पोटेंशियल था वो भी क्या आ गया है, जीरो आ गया है, ठीक है। एक केस में, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि इक्विलिब्रियम के केस में जो क्यू की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, के EQ के जगह होती है, ठीक है, KEQ क्या है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, KEQ क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर हम ऐसी क्या बोलते हैं कंडीशन हमारी गिवन है एट टेम्परेचर 298 केल्विन, एट टेम्परेचर 298 केल्विन, तो आप इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो बेटा, हमने नर्नेस्ट इक्वेशन जो आपकी की थी वो क्या थी आपकी, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम किस पे सॉल्व कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो आप लिख सकते हो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपका सेल जो है सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है, वर्क करना बंद हो जाता है, दैट मींस आप कह सकते हो एट इक्विलिब्रियम ई सेल अगर हम निकाले नर्नेस्ट इक्वेशन की हेल्प से, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या लिखी, ये जर्नल इक्वेशन लिखी है, नर्नेस्ट इक्वेशन, जो जर्नली आप टेम्परेचर 298 केल्विन पे यूज करते हैं, बट हम इक्विलिब्रियम पे देख रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे ये जो वैल्यू है ई सेल की कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये जो क्यू है आपका इक्विलिब्रियम के केस में रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो के ई क्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो। अगर मैं ई सेल को इस साइड लेके जाऊं तो आपका हो जाएगा माइनस ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 के ई क्यू, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर मैं ये माइनस जो है आपका ये इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपकी वैल्यू ई नॉट सेल की कितनी आई, ई नॉट सेल की हमारी वैल्यू आई 0.059 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 के ई क्यू, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर आपको ई नॉट सेल पूछा है इस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो आप निकाल सकते हो ई नॉट सेल, ठीक है। बट हमें यहाँ निकालना क्या है, मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, या मैं कहूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो ये हमें निकालना है। तो अगर हम इसको एक साइड रखे लॉग टू द बेस 10 के ई क्यू को अगर हम रखे, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो आप यहां से लिख सकते हो ई नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन, ये नीचे चला जाएगा 0.059, ठीक है। तो अगर आपको लॉग टू द बेस 10 के ई क्यू की वैल्यू पूछी है, तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, ई सेल की वैल्यू पूछी है तो भी आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और अगर आपको ये क्या, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी थी, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी थी, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एंटी लॉग, और एंटी लॉग से ही आपका ये क्वेश्चन होगा। बट जनरली आपको लॉग टू द बेस 10 के ई क्यू की ही वैल्यू पूछते हैं, बट हम के ई क्यू की वैल्यू भी निकाल के देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंटी लॉग की हेल्प से। मैं आपको एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगी बेटा। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।